কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবা দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাম করে লে থসরে টেনশন আরে কাম করে লে থসরে টেনশন জব অফসর বনকে তে কর পে ধমাল ये कैसे होगा सर हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। मेरे द्वारा जो प्रोग्राम लाया गया है जिसका नाम है लैंग्वेज मंत्रा, आज लैंग्वेज मंत्रा के अंतर्गत हम उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो है संधि की प्रक्रिया। सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक रिपीटेशन में अगर हम जाते हैं कि अब तक हमने कितनी चीजों को जाना है, तो बहुत अच्छे से आप ये जान पाएंगे कि किसी भी भाषा के मौखिक उच्चारण में सुनाई देती है उसे ध्वनि कहा जाता है। इस ध्वनि का एक सांकेतिक चिन्ह होता है जिसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण को हिंदी में तीन वर्ग में बांटा गया है, स्वर वर्ण, अयोगवा और व्यंजन वर्ण। अगर इन्हीं वर्ण अक्षरों को उच्चारण के अनुसार शुद्ध लेखन किया जाए जिससे उसकी वर्तनी शुद्ध हो जाए, तो उससे शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न बनते हैं। दूसरी बात, जहां पर हमारे लिए वर्ण अक्षरों में स्वर के 5 से 7 आधार पढ़े, व्यंजन के 2 पक्ष में हमने आपके अंतः प्रयत्न बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वर को जाना, इसी प्रकार हम देखते हैं कि इन स्वरों को और व्यंजनों को जब संयुक्त किया जाता है और वर्ण अक्षरों का जब संगम हो जाए, वर्ण में रूपांतरण ना हो, तो वर्ण का संयोग से संयुक्ताक्षर के द्वारा शब्द का निर्माण होता है जिसमें हम रचना के आधार पर शब्द को बनाते हैं। कुछ शब्द जो हमारे पास प्रयोग के आधार पर बाहर से आते हैं और कुछ आर्य भाषाओं से प्रभावी है, कुछ शब्द ऐसे जो अर्थ बताते हैं और कुछ ऐसे जो परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसा कहकर हम यहाँ पर आपके शब्द भेद में 8 प्रकार को पढ़ने लगते हैं, 4 प्रकार का विकारी और 4 प्रकार का अविकारी। इन्हीं वर्ण अक्षरों के संयोजन से जिस शब्द का निर्माण हुआ था, वही शब्द जो प्रयोग करते समय बदल रहे थे या नहीं बदल रहे थे, तो विकारी अविकारी शब्दों के साथ में तमाम प्रकार के कारक रचनाओं का प्रयोग करके निर्माण होता है वाक्य का। इस तरह व्याकरण के अंतर्गत आपने वर्णमाला, शब्द विचार, शब्द पद और वाक्य विचार, अब इस वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य शुद्धिकरण और जैसे तत्वों को भी आपने जान लिया है। शब्द के निर्माण में उपसर्ग प्रत्यय की सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। साथ ही साहित्यिक भाषाओं के आधार पर मुहावरा लोकोक्ति भी हमारे द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है। ओवरऑल अगर हम हिंदी के टॉपिक की बात करें, जो सीजीपीएससी प्री में मुख्यतः प्रश्न पूछे जाने वाले सेक्शन होते हैं, वो अंततः कंप्लीट हो चुके हैं। केवल 2 टॉपिक बचते हैं, एक है संधि और एक है समास। तो घबराइए नहीं कि हिंदी खत्म होने के बाद में हम क्या करेंगे। तो चूंकि हिंदी को पढ़ाने के पीछे मेरा मकसद ये रहा है कि हिंदी के व्याकरण यदि आप बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से समझ जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ी का व्याकरण को आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा के एक टॉपिक जो आज हम संधि पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम समास पढ़ेंगे, और जैसे ही समास टॉपिक कंप्लीट होगा, हिंदी भाषा फिनिश होगी, और इसी टाइम शेड्यूल पर, इसी तारीख से, यानी कि समास के बाद जो अगला सोमवार आएगा, उस नियत समय पर आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा के लैंग्वेज MCQ के माध्यम से लैंग्वेज मंत्रा में मैं कंटिन्यू रखूंगी। तो कहने का मतलब कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा तक के लिए आपके सी सेट में पूछे जाने वाले हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा, जिसमें से वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्न ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, वो आपके विषय भी मेरे द्वारा ही पूरे करवाए जाएंगे। तो बिना किसी देरी के
संधि को आज हम समझते हैं, उसके नियमों को जानते हैं। अगर इस संधि से रिलेटेड आपको बहुत सारे जो नियम हैं उन सभी को जानना है तो आपके लेक्चर वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें आ रहा होगा एक लिंक, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहां जाकर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर वीडियो के माध्यम से संधि की संपूर्ण प्रक्रिया को आप जान सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम चलते हैं यहाँ संधि को जानने के लिए कि आखिर आज के टॉपिक में जो संधि है इस संधि को क्या कहते हैं। तो कहने का मतलब जो दो निर्दिष्ट वर्ण होते हैं, कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि जहां दो निर्दिष्ट वर्ण अक्षर एक दूसरे के पास आ जाते हैं जिनके प्रभाव से वर्ण में विकार या रूपांतर उत्पन्न होता है तो ऐसी प्रक्रिया को संधि कही जाती है। किशोरीदास वाजपेयी क्या कहते हैं, जब दो वर्ण अक्षर एक दूसरे के पास आते हैं उनके मिलने से वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को संधि कही जाती है। कहने का मतलब कि पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर, दूसरे शब्द का फर्स्ट साउंडिंग लेटर, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अक्षर जब मिल जाते हैं और दोनों के मिलने से किसी भी प्रकार के वर्ण में जो रूपांतर उत्पन्न होता है वही वर्ण रूपांतरण की प्रक्रिया ही संधि की प्रक्रिया कहलाती है। कहने वाली बात कि सबसे पहले हम ये जाने कि आखिर ये वर्ण क्या होते हैं, ठीक है। तो मौखिक उच्चारण में किसी वक्ता के मुख से उच्चारित ध्वनि जो श्रोता के कान तक पहुंचती है तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। लेकिन इसी ध्वनि को जब आड़ा, तिरछा, खड़ा और वक्र आकार दे दिया जाए जिससे वह एक सांकेतिक चिन्ह के माध्यम से अपनी पहचान बना ले तो उसे कहा जाता है वर्ण। तो वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी लघु इकाई है जिसे खंड में बांटा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो जहां पर अगर हम कहते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई होती है जिसे खंड में बांटा नहीं जा सकता है, इस वर्ण को हम देखें तो इनका एक निश्चित क्रम होता है। तो मौखिक उच्चारण में तो ध्वनि है भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई, लेकिन लिखित प्रयोग में वर्ण को भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई के नाम से जाना जाता है। इस वर्ण के तीन रूप हैं, एक होता है हमारे लिए स्वर, एक होता है हमारा अयोग वाह, ठीक है, और एक होता है हमारे लिए व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो यहां अगर हम देखें तो वर्ण के एक निश्चित क्रम या समूह होता है तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं जिसके तीन हिस्से हैं, अयोग आपके स्वर, अयोग वाह और व्यंजन। अगर इन्हीं वर्ण अक्षरों को एक दूसरे से मिलते समय एक दूसरे पर एक दूसरे का प्रभाव डालते हैं, यानी कि जब स्वर, अयोग वाह और व्यंजन वर्ण एक दूसरे से मिल जाते हैं जिनके मिलने से वर्ण में किसी प्रकार का विकार, रूपांतरण या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो ऐसी प्रक्रिया संधि की प्रक्रिया कहलाती है। इसी संधि में देखा जाए तो हम हिंदी में किसी भी प्रकार की संधि नहीं पढ़ते। हम जो हिंदी में संधि पढ़ते हैं वह संस्कृत भाषा से लिया गया संधि है, क्योंकि संधि किन शब्दों के मध्य होती है, संधि जो है वह तत्सम शब्दों के मध्य होती है। तत्सम हम किसे कहते हैं, संस्कृत के शब्दों का हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाए जिस रूप में वो आपकी संस्कृत में है, तो ऐसे प्रभाव को हम तत्सम शब्द के नाम से पुकारते हैं। तो कहने का मतलब कि संस्कृत के शब्दों के मध्य, यानी कि जब देखा जाए तो तत्सम शब्दों के मध्य ही संधि की प्रक्रिया है जो होती है। इसके आधार पर संस्कृत में हम आपकी वर्णमाला को दो हिस्से में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। और इसी स्वर की कैटेगरी में जो अह है उसे विसर्ग के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए संधि की प्रक्रिया के अनुसार संस्कृत से हम तीन प्रकार की संधि यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, दो स्वरों के मिलने से स्वर वर्ण में होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्वर संधि, ठीक है। स्वर में होने वाले वर्ण विकार को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। जब पहले शब्द का अंत हो हमारे लिए व्यंजन से, होने वाली संधि अगर स्वर या हमारे लिए व्यंजन वर्ण है,
ठीक है ना। होने वाली संधि हमारे लिए स्वर या व्यंजन वर्ण है, इनके मिलने से व्यंजन में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो उस संधि को हम व्यंजन संधि के नाम से पुकारेंगे। और किसी भी शब्द के बगल में लगी हुई दो बिंदी है हमारे लिए विसर्ग। इस विसर्ग के बाद में यदि आता है स्वर या आता है व्यंजन और इनके मिलने से अगर विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन है तो ऐसी प्रक्रिया विसर्ग संधि कहलाती है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, हिंदी भाषा में स्वर संधि के कितने प्रकार हम पढ़ते हैं, तो हिंदी में स्वर संधि के 5 प्रकारों को पढ़ा जाता है, जबकि आपके संस्कृत में 8 प्रकार की स्वर संधि होती है। अगली बात, व्यंजन संधि के संस्कृत में अलग अलग नाम है, जशत्व है, स्टुत्व है, लत्व है, छत्व है, परस्वर्ण है, अनुस्वर है, ऐसे अलग अलग नाम है। लेकिन हिंदी भाषा में जब वर्ण अक्षर व्यंजन का परिवर्तन हो रहा है, अगर वो सघोष ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है तो सघोष व्यंजन हो जाएगा, अगर अघोष ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है तो अघोष व्यंजन हो जाएगा, अगर मूर्धन्य वर्ण में परिवर्तन हो रहा है तो मूर्धन्य व्यंजन संधि की श्रेणी में रखा जाता है, जिसके अंतर्गत ही हम जशत्व को, इष्टत्व को, लत्व को, छत्व को, परस्वर्ण को, सभी संधियों के नियम को रखते हैं व्यंजन के प्रकार के अंतर्गत। इसी तरह देखा जाए तो विसर्ग संधि की बात करेंगे तो विसर्ग संधि के अंतर्गत हम ये पाते हैं कि संस्कृत के जो विसर्ग हैं उसके शब्दों का इस्तेमाल हिंदी भाषा में भी होता है, इसलिए वहां विसर्ग के साथ में स्वर और व्यंजन मिलेंगे तो उनके भी वर्ण अक्षर में परिवर्तन होने से विसर्ग के परिवर्तन की वजह से विसर्ग संधि कहा जाएगा। तो इन्हीं स्वर व्यंजन विसर्ग से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए अब हम उसकी चर्चा जो है करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि दो स्वरों के मेल से जहां स्वर वर्ण अक्षर स्वर से मिल रहा है तो वहां पर हमारे लिए कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। दूसरी बात कि स्वर संधि की बात अगर हम जानते हैं तो हम स्वरों के बारे में जाने तो स्वर को मुख्यतः 5 आधार पर बांटा गया था, एक तो आपके मात्रा के आधार पर, रचना के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, मुखाकृति, ओष्ठाकृति, एक नासिक के आधार पर, और उसी में था हमारे लिए आपका जाति के आधार पर स्वर। अब जाति के आधार पर अगर कहा जाए तो यहां पर हमारे लिए दो प्रकार के स्वर और पाए जाते हैं जाति के आधार पर, एक पाया जाता है हमारा सजातीय स्वर, ठीक है, और एक पाया जाता है हमारा विजातीय स्वर। इन्हीं प्रक्रिया में सजातीय और विजातीय स्वर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वर्ण में जो रूपांतरण उत्पन्न होगा तो इसे ही हम संधि की प्रक्रिया में स्वर संधि में रखेंगे। दूसरी बात देखेंगे कि सजातीय स्वरों को हम होमोजेनियस वोवल्स कहते हैं, यानी कि समान स्थान और प्रयत्न से उच्चारित होने वाले स्वरों को सजातीय स्वर कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमारे लिए दीर्घ स्वर संधि की प्रक्रिया होती है, तो सजातीय स्वर में कौन सी प्रक्रिया मनाई जाती है, दीर्घ स्वर संधि की प्रक्रिया सजातीय स्वरों के मध्य होती है। लेकिन भिन्न स्थान और भिन्न प्रयत्न से उच्चारित होने वाले स्वरों को हम हेट्रोजेनियस वोवल्स यानी कि विजातीय स्वर कहते हैं, और यह विजातीय स्वर की प्रक्रिया कहां होती है, गुण स्वर संधि में, साथ ही हमारे लिए वृद्धि स्वर संधि में, यण स्वर संधि में, और इसके अतिरिक्त अयादि स्वर संधि जो होती है वह हमारे लिए विजातीय स्वरों के मध्य होती है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम जानने का प्रयास जो है वो करेंगे। अगली बात ध्यान रखेंगे बेटा कि जब हम स्वर संधि के बाद में व्यंजन संधि की बात करते हैं, जब हमारे द्वारा स्वर संधि के बाद में व्यंजन संधि की बात की जाती है तो व्यंजन संधि की खासियत कैसे होगी कि व्यंजन होते हैं हलंत वाले वर्ण, व्यंजन होते हैं हलंत वाले वर्ण, कि व्यंजन हलंत वाले वर्ण अक्षर होते हैं, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से पूरे होते हैं ऐसे वर्ण को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है कि बगैर स्वर के इनका उच्चारण करना और पूर्णता के साथ में लिखना संभव नहीं है। इस संधि की खासियत की पहचान है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण में एक हलंत होगा, इसके बाद वर्ण अक्षर हमारे लिए स्वर या व्यंजन वर्ण हो सकते हैं, और इनके मिलने से अगर व्यंजन में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो उस संधि को हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि के नाम से पुकारेंगे। खासियत क्या है, यहां पर हम स्पष्ट तौर पर देखते हैं तो यहां पर केवल स्पर्श वर्णों का प्रयोग होता है,
यहाँ केवल अंतः स्थ व्यंजन का प्रयोग होता है, यहाँ केवल उष्म वर्ण का प्रयोग होता है, यानी कि इन तीनों के मध्य ही व्यंजन संधि की प्रक्रिया होती है। यहाँ संयुक्त व्यंजन का इस्तेमाल, ये संयुक्त व्यंजन जो है इसका इस्तेमाल संधि की प्रक्रिया में नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया। दूसरी बात कि अगर हम विसर्ग की बात कर रहे हैं, किसी भी वर्ण अक्षर के बगल में लगी हुई दो बिंदी कहलाती है विसर्ग। ठीक है, इसी विसर्ग के अंतर्गत हम क्या पाते हैं कि विसर्ग से पहले कौन से स्वर की मात्रा का बंधन है और विसर्ग के बाद में कौन सा स्वर या व्यंजन आता है, जिसकी वजह से विसर्ग जो है वो प्रभावित हो जाता है और उसमें एक परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो विसर्ग के संधि के नाम से उसे पुकारा जाएगा। और जिस तरह हमारे लिए स्वर संधि में प्रकार है, लेकिन व्यंजन और विसर्ग संधि में उसके नियम होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, ऑप्शन ए, क्या यह व्यंजन संधि है, क्या यह स्वर संधि है, क्या यह विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं। 2017 और 18 में सीजी व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को पूछा गया था। तो यहां पर आपको संधि युक्त शब्द दिया है, आपको पहचानना है कि इसकी संधि क्या है। तो संधि युक्त शब्द को अलग करने की प्रक्रिया को हम संधि विच्छेद के नाम से पुकारते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर चीजें बता दूं कि जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जगत धन ईश कहता है। ऐसी सिचुएशन में जहां पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण एक दूसरे से मिलते हैं, उनके मिलने से वर्ण में विकार उत्पन्न होता है, तो यही प्रक्रिया संधि की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि त के बाद में स्वर की मात्रा है, तो व्यंजन संधि कहता है कि त यानी कि क च ट त प के बाद में स्वर आता है, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है, ऐसी सिचुएशन में पांचवा वर्ण आता है, ऐसी सिचुएशन में यह जो वर्ण अक्षर है ये खुद के अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है, तो जगत से क्या हो गया हमारे लिए जगद, और ये हो गया हमारे लिए ईश। चूंकि ये व्यंजन है और व्यंजन के साथ मेरे स्वर आता है, तो यही स्वर उसमें मात्रिक रूप में जुड़ जाता है, इसलिए जगत ईश से बन जाता है जगदीश। ठीक है, तो आपको अगर जगदीश दिया है तो संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता चलेगा कि कौन से संधि का उदाहरण है। तो जहां पहले शब्द के लास्ट साउंडिंग लेटर में हलंत जुड़ा हुआ है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में यदि हलंत है, फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे शब्द की शुरुआत स्वर से हो रही है या व्यंजन से, तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अगर हलंत है मतलब कि वो व्यंजन है, तो ऐसे उदाहरण की पहचान है कि यह हमारे लिए व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, दूसरी बात बेटा कि व्यंजन संधि में अगर स्वर है तब तो वर्णाक्षर पूर्ण है, लेकिन अगर कहता है जैसे कि उन्नति, इसी प्रकार कहता है जगन्नाथ, इसी प्रकार कहता है षण्मुख, तो ध्यान रखिएगा कि व्यंजन संधि डेढ़ वर्ण का उदाहरण होता है, मतलब एक आधा अक्षर अगर स्वर नहीं है तो स्वर है तो अक्षर पूरा है, लेकिन अगर स्वर नहीं है तो एक अर्धाक्षर वाले हमारे लिए व्यंजन संधि की श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात बेटा कि हम पहचानेंगे कि हमारे लिए स्वर संधि कैसी होगी, तो एक चीज में क्लियर कर दूं कि स्वर संधि की खासियत है कि जब हम स्वर संधि की बात करेंगे तो स्वर संधि में सजातीय और विजातीय। ऐसी सिचुएशन में जब किसी भी शब्द में हमें दीर्घ आ की मात्रा मिलती है, दीर्घ ई की मात्रा मिलती है, दीर्घ ऊ की मात्रा मिलती है और दीर्घ री की मात्रा मिलती है, तो ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण होंगे। अगला, किसी वर्ण अक्षर के दूसरे या तीसरे, किसी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण अक्षर के ऊपर यदि एड़ी का ए, ओखली का ओ या आरएफ वर्ण हो, तो ये हमारे लिए गुण स्वर संधि के उदाहरण होंगे। जब इसी गुण स्वर संधि का वर्ण अक्षर एड़ी के ए से ऐनक के ए में और ओखली के ओ से औरत के ओ में बदल जाएगा, तो ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण बन जाएगा। इसी तरह दो स्वरों के योग से अंतःस्थ वर्ण य, र, ल, व का उच्चारण होगा, ये हमारे लिए यण स्वर संधि के उदाहरण होंगे। जहां पर हमारे लिए चतुष्पय पद स्वर संधि यानी कि अय, आय, अव, आव ध्वनि वाले यानी कि य और वाले वर्ण अक्षर जब शब्द के बीच में आएंगे,
तो ऐसे हमारे लिए अय आय अव आव यानी कि अय हो गया, इसी प्रकार हमारे लिए आव हो गया, इसी प्रकार आय हो गया, इसी रूप में आई हो गया, ये सब हमारे लिए आपकी अयादी स्वर संधि होगी। और इसी तरह पहचानने के लिए आपको देखा जाएगा विसर्ग वाला। विसर्ग की खासियत क्या होगी कि जिस शब्द में शक्कर का आधा शा, षटकोण का आधा शा, सर्वते का आधा सा और आरेफ वर्ण मिलता है, तो जिन शब्दों में जैसे कि निश्चय, दुस्साहस, निर्झर, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो धनुष टंकार, तो ऐसे उदाहरण विसर्ग के होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। और यही सारे रूल्स जो है वो आपको लिंक में जो सेल दे रहा होगा, आपको लिंक, उस लिंक में जाएंगे तो संधि की प्रक्रिया में बहुत डिटेल में सारे नियमों को बताया। पहले क्वेश्चन ने क्या कहा, पहले क्वेश्चन ने कहा कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। क्या ये व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो मैंने अभी बताया कि जिस शब्द में पहले को छोड़कर दूसरा या तीसरा वर्ण अक्षर के ऊपर मात्रा होगी, है ना, तो हम देखते हैं जैसे संधि विच्छेद करके देखते हैं कि सदा धन एव कहता है। अब सदा धन एव कहता है तो स के साथ में है द और यहां है हमारे लिए आ और यहां है हमारे लिए एव। हो क्या रहा है, पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर आ और ए। तो गुण स्वर संधि की प्रक्रिया से निर्मित वर्ण अक्षर यदि अ और आ से जुड़ जाते हैं तो वही वर्ण अक्षर की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। दूसरी बात कि देखने वाली बात है कि वृद्धि का मतलब यदि बढ़ना है तो दीर्घ का मतलब भी तो बढ़ना है। तो दीर्घ स्वर संधि जो होती है, आपकी दीर्घ स्वर जो है वो सजातीय स्वरों के मध्य होती है कि अ से मिलेगा अ, ई से मिलेगा ई, ऊ से मिलेगा ऊ और ऋ से मिलेगा ऋ। लेकिन विजातीय स्वर यानी कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ वोवल्स मिलते हैं, है ना, तो जहां दो अलग स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाए थे तो गुण स्वर संधि थी कि अ से ए मिला तो आपका अ से ई मिला तो ए हो गया, अ से उ मिला तो ओ हो गया, अ से रि मिला तो अर हो गया। वही स्वर का उच्चारण जब अ और आ से मिलता है यही एड़ी का ए एनक के ए में बदल जाता है। तो यहां से देख लीजिए सद हुआ और यहां से व बचा, ठीक है। अब द में है हमारे लिए ए की मात्रा और ए की मात्रा दो टोपी वाली होती है तो सदा एव से बनता है सदैव, ठीक है। तो देखने वाली बात है कि व्यंजन संधि तो ये हो नहीं सकती, विसर्ग नहीं हो सकती, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर भी आपका स्वर है, दूसरे शब्द का फर्स्ट साउंडिंग लेटर स्वर है और यह हमारे लिए वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है ना, वृद्धि स्वर का उदाहरण है कि आ और ए से मिलकर क्या बना है, आ धन ए बराबर हमारे लिए हो गया है ए, यानी कि यहाँ दो टोपी अगर जुड़ती है तो वहां पर हमारे लिए वृद्धि स्वर संधि होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से कौन संधि का गुण है, संधि की कुछ विशेषता होती है, वही पूछा है कि क्या है, कि संधि में समास होता है, संधि का अर्थ है अलगाव हो जाना, संधि दो पदों का योग होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखने वाली बात है कि कौन सा गुण होता है, संधि में समास तो होगा नहीं, समास का मतलब होता है संक्षिप्त कर देना, तो संक्षिप्त यहाँ पर शब्द का हो नहीं सकता, वर्ण अक्षर जो है परिवर्तन करते हैं। दूसरा, संधि का अर्थ अलगाव है नहीं, संधि को अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं। संधि जो है वो दो पदों का योग होता है, पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर और दूसरे शब्द का फर्स्ट साउंडिंग लेटर। ऐसे सिचुएशन में जब परिवर्तन होता है तो ध्यान रखिएगा कि जब हमारे लिए आपकी स्वर संधि होगी, ठीक है, जब हमारी स्वर संधि की प्रक्रिया होगी ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में पहले शब्द का प्रथम अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इन्हीं में परिवर्तन उत्पन्न होगा, ठीक है, यानी कि पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर और दूसरे शब्द का फर्स्ट साउंडिंग लेटर में ही परिवर्तन होगा। लेकिन जब हमारे द्वारा व्यंजन संधि की प्रक्रिया निभाई जाएगी ऐसे सिचुएशन में कभी पहले शब्द के अंतिम वर्ण में परिवर्तन होगा, कभी हमारे लिए दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण में परिवर्तन होगा, कभी दोनों के बीच में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो कभी हमारे लिए दोनों के बीच में नए वर्ण का उत्पत्ति देखने को मिलता है। अब आती है विसर्ग की बात। विसर्ग संधि के अंतर्गत क्या होगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहां वर्ण अक्षर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो भी परिवर्तन होगा जैसे कि अधः
धन गति कहता है। ऐसी सिचुएशन में शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो भी परिवर्तन होगा वो विसर्ग में होगा, तो अधः गति से हो जाएगी हमारे लिए अधो गति। क्लियर हो गया? तो यहां पर प्रश्न ने क्या पूछा है, प्रश्न ने पूछा है कि संधि का अर्थ क्या है। तो संधि दो पदों का योग होता है, जहां पर पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर और दूसरे शब्द का फर्स्ट साउंडिंग लेटर मिलता है, उनके मिलने से वर्ण में ही विकार उत्पन्न होता है, वही तो हमारे लिए संधि कहलाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखा आपने, इसका आंसर हमको हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सजातीय स्वरों के मध्य संधि होती है, क्या यण स्वर संधि में, क्या गुण स्वर संधि में, क्या अयादि स्वर संधि में, या दीर्घ स्वर संधि में। तो जब मैंने बताया सजातीय और विजातीय स्वरों में ही स्वर संधि की प्रक्रिया होती है, सजातीय स्वर क्या होते हैं, समान स्थान और प्रयत्न से उच्चारित होने वाले स्वरों को ही सजातीय स्वर कहा जाता है, जिसे हम होमोजेनियस वोवल्स के भी नाम से पुकारते हैं। तो सजातीय स्वर कहाँ होंगे, जब हमारे लिए आपके अ के साथ में आ हो, या अ और आ के साथ में यदि फिर से अ और आ मिलता है तो दोनों मिलकर दीर्घ आ की मात्रा में बदल जाते हैं। जब इसी तरह ई के साथ में वही समान उच्चारण और स्थान वाले वर्ण अक्षर का मेल होता है तो दीर्घ की मात्रा में बदल जाते हैं। इसी प्रकार जब समान वर्ण अक्षर वाले उ का प्रयोग उसी वर्ण अक्षर के साथ में होता है तो दीर्घ उ की मात्रा में बदलते हैं। चूंकि संस्कृत की संधि के अनुसार ऋषि के री का एक रूप है जो लघु के साथ में हिंदी भाषा और छत्तीस संस्कृत में दीर्घ रूप में पाया जाता है, तो दो समान वर्ण अक्षर मिलकर यदि दीर्घ की मात्रा में बदल जाएं, when two equal small letter make a new one capital letter, that called दीर्घ स्वर संधि। यानी जहां दो समान वर्ण अक्षर मिलकर, तो दो समान वर्ण अक्षर किस में होते हैं, सजातीय स्वरों में, होमोजेनियस वॉवल्स में, तो वहां होती है हमारे लिए दीर्घ स्वर संधि। लेकिन हेट्रोजेनियस वॉवल्स यानी कि विजातीय स्वर, विजातीय स्वर क्या, दो भिन्न स्थान और प्रयत्न से उच्चारित होने वाले स्वर विजातीय स्वर हैं। और इस कैटेगरी में देखा जाए तो हमारे लिए गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर और अयादि स्वर संधि बनते हैं। तो यण स्वर संधि क्या कहता है, दो भिन्न स्वरों के मिलने से अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व का उच्चारण होता है, तो उन वर्णों को यण वर्ण या अंतःस्थ व्यंजन के नाम से पुकारा जाता है। यण का गण कहते हैं जो हमारे लिए सेमी वॉवल्स है। तो ऐसी प्रक्रिया जहां दो स्वरों के मिलाने से व्यंजन वर्ण का निर्माण उत्पन्न हो, यह प्रक्रिया यण स्वर संधि कहलाती है। और यण स्वर संधि कैसे बनती है, जब हम गुण स्वर संधि को पलट देते हैं कि अ से मिला था ई तो बना था हमारे लिए ए, अ से मिला था ओ तो बना था हमारे लिए ओ, इसी प्रकार अ से मिला था ऋषि करी तो बना था हमारे लिए अर। लेकिन यही प्रक्रिया यदि पलट दिया जाए कि ई से अगर हम अ को मिलाते हैं तो ई और अ मिलकर हो जाता है ईया, री से अगर हम अ को मिलाते हैं तब बन जाता है र, संस्कृत के अनुसार री से अ को मिलाते हैं तब बन जाता है ल, और उ के साथ में अ को मिलाते हैं तब बन जाता है व, और यही प्रक्रिया यण स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अगला नियम क्या कहता है इसी में देखा जाए तो हमारे लिए अयादि, अयादि कब बनता है, जब वृद्धि संधि के नियम को पलट दिया जाए। तो वृद्धि के नियम को पलट दिया जाए तो जहां अ से हमने ए को मिलाया था तो बना था ए, अ से जब हम ओ को मिलाते हैं तो वृद्धि करके बन जाते हैं ओ, यही प्रक्रिया पलट दी जाए। यानी कि ए से यदि हम अ को मिला दें तो बन जाता है अय, उसी प्रकार ऐसे यदि अ को मिला देते हैं तो बन जाता है आय, ऐसे ई को मिलाते तो बन जाता है आई, इसी प्रकार ऐसे अगर हम मिलाते हैं आपके अ को तो बनता है हमारे लिए आय। ठीक है, ओ से अ को मिलाए तो बना अव, ओ से ई को मिलाए तो बना अवी, ओ से उ को मिला दिया तो बना आऊ, है ना, ओ से ई को मिला तो बना तो आई। तो ये हमारे लिए अयादि स्वर संधि होते हैं। प्रश्न ने क्या पूछा, तो क्या कि सजातीय स्वर, तो यहां पर हमारे लिए ये हो गया सजातीय स्वर, बाकी हो गए विजातीय स्वरों से निर्माण। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, किस शब्द में गुण संधि है। गुण संधि का क्या मतलब होता है, जब दो वर्ण अक्षर अलग अलग होते हैं, मतलब विजातीय स्वर
जहाँ दो अलग अलग वर्ण अक्षर मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया गुण स्वर संधि कहलाती है। तो प्रश्न पूछा है कि किस शब्द में गुण संधि है, भारतेंदु, तथा यद्यपि या पवित्र। तो देखने वाली बात है कि गुण स्वर संधि का सूत्र क्या कहता है। मैंने अभी लिखा कि जब अ से मिला हमारे लिए ई, तो इसमें मैंने बताया कि गुण स्वर संधि में क्या बनेगा हमारे लिए, एड़ी का ए, ओखली का ओ और आरएफ वर्ण का अर बनेगा, ठीक है। और जब एड़ी का ए जो है एक टोपी है, ओखली का ओ एक टोपी है और आरएफ वर्ण तो आपके प्रयोग ही है। ऐसी सिचुएशन में देखने वाली बात है कि यदि धन अपि से बना, यद्यपि मतलब ये यण का उदाहरण है, पोधन इत्र से पवित्र कह रहा है, तो ये अयादि का उदाहरण है, जहां दो टोपी है तथा धन एव तथैव, तो ये हमारे लिए वृद्धि है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत धन इंदु, ठीक है बेटा, और ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसी भी शब्द में यदि हमारे लिए इंदु आता है या हमारे लिए इंद्र आता है, ठीक है, तो इसकी शुरुआत छोटे ई से होती है। लेकिन किसी शब्द में यदि ईश आता है तो इसकी शुरुआत बड़ी ई से होती है। तो भारतेंदु कह रहा है, अब भारतेंदु कह रहा है तो भार और त में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है, और यहां से इंदु कह रहा है। ऐसी सिचुएशन में अ और ई ने क्या बनाया, ए की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर हलंत वाला त है और यहाँ आधा न और द है। अब क्या हो रहा है कि त में ए की मात्रा है, तो मैंने पहले ही बताया कि गुण स्वर संधि हो या वृद्धि स्वर संधि हो, जो भी वर्ण अक्षर बनेगा शब्द में दूसरे या तीसरे वर्ण अक्षर के ऊपर मात्रात्मक तौर में प्रयोग किया जाएगा। अगर गुण स्वर संधि है तो एक मात्रा होगी बेटा, और अगर वृद्धि स्वर संधि है जैसे कि सदैव, जैसे कि तथैव कह रहा है, तब हमारे लिए वनौषध कह रहा है, तो दो मात्रा होगा। लेकिन सूर्योदय प्रभोदय कहेगा तो गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उल्लास का संधि विच्छेद है, क्या ये उल धन लास से बना है, क्या ये उल धन आस से बना है, क्या ये उल धन आस से बना है या उत धन लास से बना है। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं या किस संधि का उदाहरण है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह हमारे लिए व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्यों है व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ डेढ़ वर्ण वाला उदाहरण पाया गया है कि एक वर्ण अधूरा है। कब, क्योंकि व्यंजन वो वर्ण अक्षर है जो बगैर स्वर के कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं, इसलिए देखा जाए तो एक संधि में व्यंजन संधि का नियम है। क्या कहता है कि त संबंधी नियम में कहता है कि हलंत वाले त के बाद में यदि चम्मच का च, जहाज का ज, टमाटर का ट, डमरू का ड या लट्टू का ल आता है, ऐसी सिचुएशन में ये जो हलंत वाला त है जिस वर्ण से मिलता है, जैसे च से मिला तो खुद को आधे च में बदल देगा, यदि ये हमारे लिए ज से मिला तो आधे ज में बदल देगा, यदि यह हमारे लिए ट से मिला तो आधे ट में और ड से मिला तो आधे ड में और इसी तरह अगर ल से मिला तो आधे ल में बदल देगा, ठीक है। तो शरत धन चंद्र से शरत चंद्र, उत धन चारण से उच्चारण, इसी प्रकार सत धन चरित्र से बन जाता है सच्चरित्र, विपत धन जाल से विपत जाल, उत धन जन से आप उत धन ज्वल से उज्ज्वल हो जाता है, इसी प्रकार सत धन जन से सज्जन बन जाता है, पत टीका से पट्टीका, उत डयन से उड्डयन, तो उत धन लास से हो जाता है हमारे लिए उल्लास, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो समीपवर्ती वर्ण के मेल से जो विकार होता है वह क्या है, क्या वह उपसर्ग है, क्या वह प्रत्यय है, क्या वह संधि है, क्या वह समास है। तो वर्ण अक्षरों का प्रयोग तो हम उपसर्ग में भी करते हैं और प्रत्यय में भी करते हैं, बशर्ते उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ जाता है और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ जाता है। शब्द पदों को संक्षिप्त करने के लिए हम समास की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, परंतु दो पास आते हैं जो वर्ण अक्षर, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वही प्रक्रिया संधि की प्रक्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया, अब आते हैं अगला। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा शब्द व्यंजन संधि का नहीं है
ऑप्शन नंबर ए वागीश, ऑप्शन नंबर बी उद्घाटन, ऑप्शन नंबर सी अजंत और ऑप्शन नंबर डी निरोग। ऐसी सिचुएशन में आंसर को रटना नहीं है, संधि विच्छेद करना ही सबसे बड़ा हमारे लिए उपाय होगा अपने प्रश्न के उत्तर को सही जांचने के लिए। तो वागीश कब होगा? तो व्यंजन संधि के पहले नियम के अनुसार क्या कहता है व्यंजन संधि का पहला नियम कि संधि करते समय पहले शब्द के अंत में क, च, ट, त या प हो। होने वाली संधि अगर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण है या हमारे लिए य, र, ल, व है या हमारे लिए स्वर है ना। नियम क्या कहता है कि पहले शब्द के अंत में यदि हलंत वाला क, च, ट, त, प हो, होने वाली संधि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण है या तो य, र, ल, व है या वो हमारे लिए स्वर है। ऐसी सिचुएशन में ये जो वर्ग है अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदलेंगे? तीसरे वर्ण में। तो क जो है अपना तीसरा वर्ण ग में, च जो है ज में, ट जो है ड में, त जो है द में और प जो है वो ब में बदल जाएगा। इनमें से अर्धाक्षर में ग को, ज को लिखा जा सकता है, ब को लिखा जा सकता है, लेकिन डमरू का ड और द को अर्धाक्षर में लिखा नहीं जा सकता। ऐसी सिचुएशन में हम क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर उदाहरण देखा जाए वाक धन ईश, अब इस क के बाद में स्वर की मात्रा है इसलिए खुद को इसने तीसरे वर्ण में बदला और वाक से बन गया हमारे लिए वाग और ये हो गया ईश। ऐसे सिचुएशन में ग के साथ में ई मिला तो हमारा एक एग्जांपल बन गया वागीश, मतलब ये हमारे लिए व्यंजन संधि का उदाहरण है। दूसरी बात है उद्घाटन, ठीक है। तो जब मैंने आपको दूसरा नियम बताती हूँ इस दूसरे नियम के अनुसार क्या कहता है कि हलंत करते समय यदि यही सिचुएशन देखिए क्या कर रहा है कि पहले शब्द का अंत हो रहा है मान लीजिए त से, जैसे कि आपका उत धन घाटन। अब यहाँ पर देखिए हलंत वाले त से अंत हो रहा है, शुरुआत क, ख, ग, घ चौथे वर्ण से हो रही है तो त जो है हमारे लिए किस में बदल गया? हलंत वाले द में। चूंकि हलंत वाले द को अर्धाक्षर में लिखा नहीं जा सकता इसलिए या तो हम उद्घाटन ऐसे लिखेंगे या टाइपिंग करते समय संयुक्त तो होकर इस रूप में लिखा जाता है तो यह भी हमारे लिए व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब यही नियम अजंत में भी आता है कि जब हम कहते हैं अच धन अंत कहते हैं तो चूंकि च के बाद में अनुस्वर है और ध्यान रखिएगा संस्कृत के अनुसार जो अंगूर का अम है जिसे हिंदी में हम अनुस्वर यानी कि अयोगवा कहते हैं संस्कृत के संधि में उसे स्वर में काउंट किया जाता है तो च बिकम्स टू ज, इसलिए अच से बन गया अज और ये हो गया अंत और ये भी हमारे लिए अजंत कहकर व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन निह धन रोग से बनता है निरोग, निह धन रोग से बनता है निरोग और ये हमारे लिए विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला नियम प्रश्न पूछता है कि अधन ई बराबर ए किस संधि का सूत्र है? क्या यह दीर्घ संधि में प्रयोग होता है, क्या यह वृद्धि में प्रयोग होता है, क्या यह गुण में प्रयोग होता है, क्या यह अयादि में प्रयोग होता है? तो अभी दो मिनट पहले ही मैंने आपको जब लास्ट क्वेश्चन जब समझाया था तभी मैंने बताया था कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स मेक अ न्यू वन लेटर, कि दो भिन्न स्वर यानी कि दो विजातीय स्वर मिलकर अगर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं तो वह प्रक्रिया गुण स्वर संधि कहलाती है, जिसमें एड़ी का ए, ओखली का ओ और सप्तर्षि वाला, राजर्षि वाला आर्य वर्ण है जो देखने को मिलता है और ये वर्ण अक्षर के दूसरे या तीसरे वर्ण अक्षर के ऊपर किसी भी शब्द में दूसरे या तीसरे वर्ण अक्षर के ऊपर मात्रात्मक तौर पर जुड़े होते हैं। अगला है हमारे लिए क्वेश्चन पुनर्जन्म संधि विच्छेद है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? पुनर्धन जन्म, पूर्ण धन जन्म, पुनः धन जन्म या पुह धन जन्म, यह विसर्ग संधि का एक एग्जाम्पल है और क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो करेक्ट है? तो ध्यान रखिएगा जब पुनः शब्द के साथ में अगर स्वर आता है, ठीक है ना, पुनः शब्द के साथ में अगर स्वर आता है तो पुनः का विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे लिए क्या कह रहा है, पुनः धन आवृत्ति कह रहा है,
ठीक है, एक नियम बता रही हूँ विसर्ग संधि के अंतर्गत कि पुनः शब्द के बाद में यदि स्वर आता है तो पुनः का विसर्ग है जो र में बदल जाता है, तो पुनः धन आवृत्ति से हो जाता है हमारे लिए, र में आ की मात्रा से पुनरावृत्ति। लेकिन अगर पुनः शब्द के बाद में एक व्यंजन वर्ण आ रहा है तो विसर्ग के बाद में कह रहा है, तो ये नियम एक अलग नियम को बताता है। विसर्ग संधि के अनुसार विसर्ग से पहले यदि अ का स्वर हो, विसर्ग से पहले अ का स्वर हो, होने वाली संधि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या वो य र ल व हो, या वो उष्म का आपका स्वर हो, ठीक है, क्या हो, स्वर हो, ऐसी सिचुएशन में यह जो विसर्ग है हलंत वाले र में बदलता है, और दो कंप्लीट कॉन्सोनेंट के बीच में अगर हलंत वाला र आता है तो यह आरएफ वर्ण में बदल जाता है, इसलिए पुनः धन जन्म से बन जाता है पुनर्जन्म। तो दो नियम बता दिया मैंने, पहले मैंने बताया कि विसर्ग जो है यहाँ पुनः शब्द में जुड़ा है, पर्टिकुलर पुनः शब्द ले रहा है, पुनः शब्द के बाद में यदि कोई स्वर आ जाता है, पुनः शब्द के बाद में स्वर आ जाता है तो पुनः का विसर्ग र में बदलता है, और जिस तरह के स्वर की मात्रा के साथ में जुड़ेगा वैसे मात्रात्मक रूप में बदलेगा, तो पुनः एव से पुनरेव बनेगा, पुनः इच्छा से पुनरिक्षा बनेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं कि पुनः शब्द में के पे जो विसर्ग है, इस विसर्ग में अ के स्वर की मात्रा है, होने वाली संधि अगर स्वर से मिल रही थी तो आरएफ वर्ण पूरे हो रहे थे, लेकिन अगर वो ऐसी सिचुएशन में आता है कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या र ल हो या स्वर हो, तो एक नियम के अनुसार तो देखा जाए तो आरएफ वर्ण में बदलता है, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए पुनः धन जन्म से पुनर्जन्म का निर्माण होता है, क्योंकि यही विसर्ग हलंत वाले र में बदला है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक्सेप्शनल है, क्योंकि इस नियम के अनुसार कहता है कि विसर्ग से पहले अ और आ का स्वर नहीं होना चाहिए, संधि करते समय विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर की मात्रा हो, लाइक ई या ओ, होने वाली संधि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, य र ल व हो या स्वर हो, ऐसी सिचुएशन में विसर्ग हलंत वाले र में बदलता है, तभी तो नीह धन लज्ज से निर्लज बनता है, दो धन गुण से दुर्गुण बनता है, इसी प्रकार नीह धन भय से निर्भय बनता है, लेकिन दो धन आशा से दुराशा हो जाती है, नीह धन आशा से निराशा हो जाती है, दो धन व्यवहार से दुर्व्यवहार होता है। लेकिन पुनः शब्द को अगर लिया जाए तो पुनः शब्द से पहले अगर हमारे लिए स्वर की मात्रा से मेल होता है तो हलंत वाले र में बदलकर वह पूर्ण अक्षर हो जाता है, लेकिन इसी पुनः शब्द के बाद में कोई व्यंजन आता है तो पुनः का विसर्ग जो है वो र में बदल जाता है, तो पुनः जन्म से पुनर्जन्म होता है। लेकिन शर्त के अनुसार यदि किसी भी शब्द के लास्ट साउंडिंग लेटर में अ और आ को छोड़कर कोई डिफरेंट वर्ण का वॉवल एड ऑन हो और होने वाली संधि की सिचुएशन ये रहती है तो विसर्ग हलंत वाले र में बदलता है। जब ये कंप्लीट कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, जैसे कि दोह धन गंध कहता है, ऐसे सिचुएशन में वो आरएफ वर्ण बन जाता है दुर्गंध कहकर। लेकिन अगर वो स्वर के साथ आता है, जैसे कि नीह धन आशा कहता है, ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए स्वर उसे पूरा करता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द क्या होगा, मृत्योपरांत, मृत्युपर्यंत, मृत्योपरांत या मृत्युपरांत। तो देखने वाली बात है कि हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि मृत्यु में है छोटे ऊ की मात्रा और यहां से शुरू हो रहा है ऊ, सजातीय स्वर है ये, पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर में ऊ है। अब आपको देखना होगा कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। अब हम मृत्यु को तोड़ते हैं तो य के साथ में है हमारे लिए छोटे ऊ की मात्रा और यहां से है हमारे लिए उपरांत, तो लास्ट साउंडिंग लेटर और फर्स्ट साउंडिंग लेटर फाइंड आउट हो गया, तो दो सजातीय स्वर है, तो जहां दो सजातीय स्वर मिलकर किसकी मात्रा में बदलेंगे, दीर्घ ऊ की मात्रा में बदलेंगे, तो ऑप्शन होगा हमारे लिए मृत्युपरांत। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन ये आपके सीजी में अपन 2011 में बीएड में बेटा पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भिन्न संधि के उदाहरण का चयन कीजिए, अभिषेक, रामायण, बलिष्ठ और अन्वेषण। अब आपको सबका संधि विच्छेद करके देखना होगा, तो नियम के अनुसार अभिषेक क्या कहता है, पहले शब्द के अंत में, ठीक है, पहले शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है,
ठीक है, लेकिन होने वाली संधि सरोते के स से शुरू हो। पहले शब्द के अंत में अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर की मात्रा है, होने वाली संधि सरोते के स से शुरू होती है, यही सरोते का श षटकोण के श में बदलता है। तो अगर हम देखें यहां है हमारे लिए अभी धन सेक कहता है, ठीक है, तो भ में है ई की मात्रा, उसके बाद में है स, इसलिए अभिषेक से बन गया अभिषेक। और यह किस संधि का उदाहरण हो गया, यह हो गया हमारे लिए व्यंजन संधि का उदाहरण। अब देखते हैं रामायण, तो नियम क्या कहता है, ये ऋषि के री, रस्सी का र और षटकोण के श के बाद में होने वाली संधि क या प वर्ग के वर्ण से शुरू होगी, या तो हमारे लिए य र ल व से शुरू होगी, या तो हमारे लिए ह से शुरू होगी, या तो हमारे लिए वो स्वर होगी, लेकिन अंतिम वर्ण अक्षर नल के न का होना जरूरी है, क्योंकि यही नल का न अण में बदलेगा। तो राम धन अयन कहता है, ठीक है ना, यहाँ पर है राम और यहाँ पर है हमारे लिए अयन, यानी कि हमारे लिए देखा जाए तो राम धन अयन से न जो है अण में बदल गया, तो राम धन अयन से रामायण बना, और यह भी हमारे लिए व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब कहता है बलिष्ठ, तो नियम कहता है कि जब पर्ण के शब्द के लास्ट साउंडिंग लेटर में षटकोण का श हो, होने वाली संधि तरबूज का था या थर्मस का था है, यही तरबूज का था ट में और थर्मस का था जो है वो ठ में बदलता है, तो बलिष्ठ धन थ कहता है, तो बलिष्ठ बनता है, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ऑड वन क्या हो गया, अन्वेषण, क्योंकि अन्वेषण किससे बना है, तो यण स्वर संधि की खासियत क्या है, ध्यान रखिएगा, यण स्वर संधि में वचन का व और यज्ञ के य के लेटर जो है वो आधे होते हैं। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा आपके दिमाग में कि अर्धाक्षर तो व्यंजन संधि में होते हैं, फिर यण स्वर संधि में अर्धाक्षर क्यों है, तो ध्यान से समझिएगा कि आपके अर्धाक्षर व्यंजन संधि में कब है, जब वो व्यंजन वर्ण बगैर स्वर का है तब ऐसी सिचुएशन में हाफ लेटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन दो स्वरों के मिलने से, जैसे कि अगर कहा जाए अनुधन एषण कहता है, ठीक है ना, अनुधन एषण कहता है। अब देखिए यहाँ पर अनु में, अन में हमारे लिए ऊ की मात्रा है और यहाँ पर है हमारे लिए एषण, ठीक है, तो ऊ और ए, ऊ और ए मिलके बन जाते हैं हमारे लिए उवे, ठीक है ना, ऊ और ए मिलके बन जाता है उवे, ठीक है, उतार दिया हमने किसको, क्षण को, और यहाँ पर हमने देखा अन को। अब एक स्वर संधि का ऐसा नियम है जहां दो स्वरों से मिलकर एक व्यंजन बन गया, अब यहाँ हलंत वाला न है, यहाँ भी व्यंजन वर्ण है, तो ये व्यंजन वर्ण अधूरा हो जाएगा, इसलिए अनुएषण से क्या बन जाएगा हमारे लिए, अन्वेषण। तो यण स्वर संधि की खासियत क्या है कि यज्ञ का या और वचन के व के पहले का अक्षर जो है वो अर्धाक्षर होता है, जैसे कि प्रत्येक कहता है, प्रत्युत्तर कहता है, अत्यधिक कहता है, उसी प्रकार अन्वेषण कहता है, स्वागत कहता है, ठीक है ना, उसी प्रकार आपका देखा जाए तो स्वच्छ कहता है, तो जहां पर य और व के पहले का अक्षर, जैसे कि अभ्यागत, अत्यधिक, अत्याचार, प्रत्युत्तर, प्रत्येक कहता है, और इसी रूप में अन्वेषण कहता है, उसी प्रकार तन्वंग कहता है, उसी प्रकार बद्धवागमन कहता है, मध्वरी कहता है, ये हमारे लिए आपके आते हैं किसकी श्रेणी में, ये आते हैं हमारे लिए आपके यण स्वर संधि की श्रेणी में। और इस आधार पर देखा जाए तो एक एग्जांपल है आपकी यण स्वर संधि का और बाकी आपके व्यंजन संधि का, तो भिन्न संधि किस में पाई गई, आपके ऑप्शन नंबर डी में, क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, भरण का उचित संधि विच्छेद क्या है, भर धन अन, भर धन न, भर धन अन या फिर भ धन अन। अब सोचने वाली बात है कि मैंने आपको ये नियम बताया यहाँ पर कि जब किसी भी वर्ण अक्षर में ऋषि करी, रश्मि करा या षटकोण का श होगा, अब यहाँ पर देखिए भर धन न कह रहा, तो ऋषि करी, रश्मि करा, षटकोण का श होगा, होने वाली संधि क या प वर्ग से शुरू होगी, या तो स्वर से शुरू होगी, या तो ई र ल व से शुरू होगी, लेकिन लास्ट साउंडिंग लेटर नल के न का होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग तो होगा नहीं, दूसरी
बात अगर कहता है भर, ठीक है, तो भर कह रहा है, स्वर से शुरू होकर अंतिम वर्ण न है, इसलिए भर धन अन से क्या बन जाता है, भरण, ठीक है, तो भर धन अन से बन जाता है आपका भरण, ठीक है। अब इस आधार पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर हमारे लिए ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यहाँ र जो है वो कंप्लीट है, यहाँ जो र जो है वो कंप्लीट है, यहाँ भी अ जो है वो स्वर है, तो यहाँ अ और अ मिल के हमारे लिए भारण हो जाता, भरण न होकर भारण हो जाता, क्योंकि ये हमारे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण बन जाते। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भर धन अन, ठीक है। तो र जो अ से मिला वो हो गया और नल के न का परिवर्तन अण में हो गया, इसलिए यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनुधन संगी की संधि होगी, अनुसंगी, अनुषंगी, अनुसंगी या अनोसंगी, ये आपके सीजीपीएससी मेंस में 2011 में पूछा गया था, क्योंकि सीजीपीएससी मेंस में भी आपको देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें निम्न का संधि कीजिए और संधि की पहचान कीजिए, निम्न संधि युक्त शब्दों को संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यही मैंने आपको नियम बताया अभिधन सेक वाला कि जहां अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर की मात्रा हो, होने वाली संधि सरोते के स से शुरू होगी, तो सरोते का स बदल जाता है षटकोण के स में। तो यहां देखिए, यहां पर ऊ के स्वर की मात्रा है और शुरुआत हो रही है आपके स से, यही स बदल गया षटकोण के स में, तो आंसर आएगा आपका अनुषंगी, यानी कि यहां पर हमारे लिए अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर की मात्रा होगी, चाहे वो ई हो या ऊ हो, ठीक है, होने वाली संधि सरोते के स से शुरू होगी, यही सरोते का स षटकोण के स में बदलता है, यह हमारे लिए व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक आपके दिमाग में कह रहा होगा कि आपने कहा था कि पहले शब्द के अंत में हलंत का होना जरूरी है, जिससे स्वर संधि की आपकी व्यंजन संधि की पहचान है, लेकिन देखिएगा कि वहां पर परिवर्तन किस में हो रहा है, व्यंजन वर्ण में हो रहा है, तो कभी कभी आवश्यकता के अनुसार शब्द के अंतिम वर्ण में या शब्द के प्रथम वर्ण में स्वर भी पाया जाता है, लेकिन किंतु परंतु जो परिवर्तन होंगे वो केवल व्यंजन वर्ण में होंगे, इसलिए संधि को व्यंजन संधि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, संविधान का संधि विच्छेद है, सम धन विधान, संवि धन धान, सम धन विधान या सम धन विधान, ठीक है। तो संविधान क्या कहता है, ये आपके व्यंजन संधि में क्या कहता है, संधि करते समय हलंत वाले म के बाद में यदि स्पर्श वर्ण आता है, यदि अंतः इस्थ वर्ण आता है या हमारे लिए उष्म वर्ण आता है, तो ये हलंत वाला म अनुस्वर में बदल जाता है। अब सोचने वाली बात क्या है कि समधन विधान कह रहा है तो व जो है वह आपका अंतःस्थ व्यंजन है, ऐसी सिचुएशन में म जो है वो हलंत में बदल गया, तो देखने वाली बात कि क से लेकर मछली का म स्पर्श वर्ण है, इसी प्रकार इ र ल व ये हमारे लिए अंतःस्थ है, और शक्कर का श, षटकोण का श, सरोते का स, हल का ह कह के हमारे लिए आपका उष्म वर्ण है, और इसी में हलंत वाले म के साथ में अगर अलम धनकार कहता है तो अलंकार हो जाएगा, समधन चय से संचय, समधन देश से संदेश, समधन तोष से संतोष, इसी प्रकार समधन रक्षण से संरक्षण, समधन वाद से संवाद, और यही सिचुएशन है कि समधन विधान से संविधान बनेगा, समधन लाप से संलाप, संधन शय से संशय, और समधन ये आपके हार से संहार बनेगा, तो संविधान में आपका संधि विच्छेद क्या होगा, समधन विधान। अगला कहते हैं उत्धन शिष्ट के मेल से निर्मित संधि शब्द क्या है, ये आपके 2013 में सीजी व्यापन ने पूछा था, क्वेश्चन का ऑप्शन दिया उच्छिष्ट, उत्शिष्ट या उच्छिष्ट या उत्तिष्ठ, ठीक है। तो सबसे अगली बात, तरबूज के त संबंधी नियम का अगला नियम कि हलंत वाले त के बाद में यदि कोई अन्य वर्ण अक्षर आता है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि हलंत वाले त पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर, यदि हलंत वाला त है, होने वाली संधि च ज ट ड ल है, तो ये हलंत वाला त जिस वर्ण अक्षर से मिलेगा खुद को उसके अर्धाक्षर में बदलेगा, लेकिन इसी का अगला नियम क्या कहता है कि हलंत वाले त के बाद में यदि शक्कर का श और छाते का छ है तो दोनों के बीच में आधा च आ जाता है,
ठीक है। और इसी तरह देखा जाए तो उत्कृष्ट से क्या बनेगा हमारे लिए, आपका उच्छिष्ट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, उच्छिष्ट, यानी कि त के बाद में शक्कर का छ आ जाए या छाते का छ आ जाए तो दोनों की इसमें आधा छ आ जाता है, तो उत्कृष्ट से उच्छिष्ट का उदाहरण जो है वो बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पुनः उक्ति की संधि होगी, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, पुनर्युक्ति या पुनरोक्ति। मैंने पहले ही बताया था कि पर्टिकुलर अगर एक पुनः शब्द लिया जाए उसके बाद में स्वर से शुरू होने वाला शब्द होता है तो पुनः का जो विसर्ग है वो हलंत वाले र में बदलता है। चूंकि हलंत वाले र में बदल रहा है और यहाँ है स्वर, तो र जिस तरह के स्वर में मिलेगा उस तरह की मात्रा में बदल जाएगा। तो पुनः उक्ति कह रहा है तो पुनः उक्ति कह रहा है तो पुनः से हमारे लिए र बना और यहाँ है हमारे लिए उक्ति। र में किसकी मात्रा हो गई, ओ की मात्रा, तो पुनः उक्ति क्या बन गया, पुनरुक्ति, मतलब कि ऑप्शन नंबर का बी, ठीक है। लेकिन पुनः शब्द के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण आ जाता है तो पुनः का विसर्ग में है जो अनुस्वर में बदल जा, आपके आरएफ वर्ण में बदल जाता है, इसलिए पुनः जन्म से पुनर्जन्म का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, शिरोमणि में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग है कि गुण स्वर संधि है, ठीक है। तो यहाँ पर शिरोमणि कह रहा है तो शीर धन उमणि तो नहीं होगा, इसलिए हमारे लिए दीर्घ स्वर संधि नहीं है, व्यंजन संधि भी नहीं है, यहाँ पर होगा हमारे लिए आपका विसर्ग संधि। इसका नियम क्या कहते हैं इसको ध्यान समझेंगे कि विसर्ग से पहले यदि अ के स्वर की मात्रा है, विसर्ग से पहले आ के स्वर की मात्रा है, होने वाली संधि किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण है, यानी कि ग ज ड द ब, घ झ ढ ध भ या अंग इय अण न और म, या तो हमारे लिए इय र ल व है, मतलब कि अंतःस्थ, या हमारे लिए उष्म का ह है, ऐसी सिचुएशन में विसर्ग जो है वो ओ की मात्रा में बदल जाता है। तो शिरोमणि कहता है तो हमारे लिए शिरह धन मणि कहता है, शिरह धन मणि कहता है, तो विसर्ग से पहले अ का स्वर है और प फ ब भ म पंचम वर्णाक्षर है, इसलिए विसर्ग ने खुद को किस में बदल दिया, आपके आ की मात्रा। तो देखिए कैसे करेगा, यहां पर अगर हम देखते हैं तो शी र हलंत वाला, यहां है आपका अह और यहां है हमारे लिए मणि, विसर्ग से पहले अ का स्वर है, होने वाली संधि प फ ब भ म कह के पांचवा वर्ण है, इसलिए विसर्ग ने खुद को किस में बदल दिया, ओ की मात्रा में। अब हमारे लिए यहाँ बचा शीर और यहाँ बचा हमारे लिए मणि, अब र में ओ की मात्रा आ गई इसलिए एग्जाम्पल बन गया शिरोमणि, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पद्धति का संधि विच्छेद क्या होगा, पद धन धृति, पद्य धन हति, पद धन हति या पद धन हृति, ये एक व्यंजन संधि का फिर से उदाहरण है, तरबूज के त संबंधी तीसरा नियम क्या कहता है कि संधि करते समय हलंत वाले त के बाद में यदि हल्का ह आता है, संधि करते समय हलंत वाले त के बाद में यदि हल्का ह आ जाता है तो यह हलंत वाला था। अब देखिए संधि में, व्यंजन संधि में क्या हो रहा था, मैक्सिमम टाइम फर्स्ट साउंडिंग लेटर में ही चेंजेस हो रहे थे, दूसरा कभी कभी दूसरे शब्द पद में परिवर्तन, के सरोते का सा षटकोण के शा में बदला, नल का ना अणा में बदला, तरबूज के त के परिवर्तन हो रहे थे, वहां च का आगम हो रहा था, वैसे ही कह रहा है कि अब दोनों वर्ण अक्षर में परिवर्तन होगा कि त बिकम्स टू दवात का द, यानी कि त से द बदल गया और ह बिकम्स टू धनुष का ध, इसलिए जब पत धन हति कहता है तब निर्माण हो जाता है पद्धति। तो उत धन हरण से उद्धरण, तत धन हित से तद्धित, ठीक है, और इसके आधार पर पत धन हति से बन जाती है पद्धति और यह व्यंजन संधि का नियम है। अगले प्रश्न की ओर बेटा, निम्नांकित में से अयादि स्वर संधि के उदाहरण को चिन्हित कीजिए, ये पटवारी वाले पोर्शन में पूछा था 2016 में, यदि धन अपि, पो धन अन, महाधन ऐश्वर्य, जल धन उर्मी, हम पहचानेंगे कैसे कि अयादि स्वर संधि क्या होगी। तो सबसे पहली बात कि जहां दो अलग अलग स्वरों को मिलाया तो गुण स्वर संधि की प्रक्रिया को पलट दिया, यानी कि ई से मिला दिया अ को तो बन गया इय, ऋ से मिला दिया अ को तो बन गया र, उ से मिला दिया अ को तब बन गया उ,
और इसी प्रकार रे से मिला दिया अ को, तब बन गया उ आपका ल। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में एक व्यंजन वर्ण का निर्माण किया, मतलब ये प्रक्रिया है यण स्वर संधि। तो यदि धन अपि कह रहा है तो हमारे लिए यद्यपि कहकर ये हमारे लिए हो रहा है यण स्वर संधि। दूसरी बात, महाधन ऐश्वर्य कह रहा है तो जब अ के साथ में या आ के साथ में, अ या आ के साथ में मिलता है ए या ए, इसी प्रकार मिल जाता है ओ या अ, ऐसी सिचुएशन में मात्रा में वृद्धि हो जाती है अ की या परिवर्तन हो जाता है हमारे लिए अ या ए में, तो यह हमारे लिए आपकी किस भी बन जाती है, ये हमारे लिए वृद्धि संधि का नियम बन जाता है। ठीक है, वृद्धि संधि के अनुसार देखा जाए तो महाधन ऐश्वर्य से क्या बन गया हमारे लिए, महेश्वर्य। ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। अब जल धन उर्मी कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए कि अ के साथ में ई को मिलाएंगे तो ए बनता है, अ के साथ में उ को मिलाते हैं तो ओ बनता है, और इसी प्रकार अ के साथ में अगर ऋषि का री को मिलाते हैं तो अर बनता है। ठीक है, ये किसका नियम है, गुण स्वर संधि का नियम है। ऐसी सिचुएशन में अ और उ से अगर हम मिलाते हैं तो एग्जाम्पल क्या बनती है बेटा, यहाँ बनती है जलोर्मी, यानी कि ये आपके गुण स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ बन जाता है महेश्वर्य, मतलब कि वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। ये यद्यपि कहकर आपके यण स्वर संधि हो जाता है, लेकिन अगर वृद्धि के नियम को पलटा जा रहा है, जहां अ से हम ओ को मिला रहे थे, अ से ओ को मिला रहे थे तो ओ बन रहा था, अब इसी में हम देखते हैं कि इस नियम को पलट दिया जाए कि अ और आ के साथ में हम ओ को मिला रहे तो ओ से हम अ को पलट रहे, तो वृद्धि के नियम को पलटा है। तो जहां पर देखा जाए कि ओ से अ को मिलाते हैं तो अव का निर्माण होता है, इसलिए प के साथ में ओ की मात्रा से पो धन अन बोना। ठीक है ना, अब प में है हमारे लिए ओ की मात्रा और यहाँ है हमारे लिए अन, इन दोनों को मिलाया तो अव का निर्माण हुआ, ये हुआ न, ये हुआ हमारे लिए प, प के साथ में अव मिलाया तो पो धन अन से पवन बना, और यह है हमारे लिए अयादि स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है, तो भो अन से भवन, सौ अन से सावन, शौ अक से शावक, पौ अक से पावक, पो इत्र से पवित्र, भो इश से भविष्य बनता है। इसी प्रकार नए इका से नायिका, ने अन से नयन, चे अन से चयन का निर्माण होता है। तो देखने वाली बात है कि अयादि की खासियत क्या होती है कि मैक्सिमम तीन अक्षर का शब्द होगा और तीनों अक्षर के बीच में यज्ञ का य और वचन का व, नयन, शयन, दायिनी, नायक, गायक, तो यह अक्षर जो है वो शब्द के बीच में आएगा। इसी तरह भवन, पवन, शावक अगर कहता है, पावन कहता है, पवित्र कहता है, भविष्य कहता है, तो वर्ण अक्षर के बीच में इसका प्रयोग देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारे लिए, यदि विसर्ग से पहले स्वर में अ की मात्रा हो, ध्यान से समझेंगे, विसर्ग से पहले स्वर में आपके अ की मात्रा हो, होने वाली संधि किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण हो, अंत इस व्यंजन ईया र ल व हो या हमारे लिए ह हो, तो विसर्ग का परिवर्तन क्या होता है, क्या विसर्ग स में बदलता है, क्या विसर्ग श में बदलता है, क्या विसर्ग ओ में बदलता है, या क्या विसर्ग हलंत वाले र में बदलता है। इन सारे सिचुएशन के नियम को मैंने थोड़ी देर पहले बताया शिरोमणि वाले एग्जाम्पल में, कि विसर्ग से पहले अ का स्वर हो, होने वाली संधि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या अंत इस व्यंजन हो, या उष्म का ह हो, तो विसर्ग ओ की मात्रा में बदलता है, जैसे कि मनः धन हर कहता है। अब देखिए मन के साथ में विसर्ग में अ की मात्रा है, यहां से हमारे लिए हर है, यह विसर्ग किस में बदल गया, ओ की मात्रा में बदल गया, तो मन में किसकी मात्रा हो गई, ओ की मात्रा, और मनोहर से बन जाता है मनोहर। इसी प्रकार देखा जाए तो अगर हमारे लिए पयह धन द कह रहा है,
ठीक है। विसर्ग से पहले अ की मात्रा त थ द तीसरा वर्ण है, इसलिए पयधन द से बन जाता है पयोद, सरहधन ज से सरोज, मनहधन वांछित से मनोवांछित, अधहधन गति से अधोगति, अधहधन लिखित से अधोलिखित। इसी तरह देखा जाए तो यशधन दा से बन जाती है यशोदा, शिरह रेखा से शिरोरेखा, शिरोमणि से शिरोमणि का उच्चारण जो है वो देखने को मिलता है। अगला देखा जाए तो इसी में हम कह सकते हैं आपके अधा लिखित से बन जाता है अधोलिखित, तप भूमि से तपोभूमि, तमा गुण से तमोगुण का निर्माण जो है वो इसी प्रक्रिया के मध्य पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी बताया अधोगति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आध धन गति, अधो धन गति, अधम धन गति या अधह धन गति। तो ये जो रूल है आपका, इस रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अधह धन गति कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ का स्वर है, विसर्ग में अ का स्वर है, ये क ख ग तीसरा वर्ण है, इसलिए इस विसर्ग ने खुद को किसकी मात्रा में बदल दिया, ओ की मात्रा में, तो अधह गति से क्या बन गया, अधो गति। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, मनोविनोद का संधि विच्छेद क्या होगा, मनधन विनोद, मनोधन विनोद, मन धन विनोद या होगा मनोधन विनोद। तो ये भी इसी संधि का उदाहरण है जहां विसर्ग ओ की मात्रा में बदलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए। तो विसर्ग ओ की मात्रा में कब बदलेगा, इस नियम का आपको ध्यान रखना अति अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन की ओर, नीचे दिए गए शब्दों के सम्मुख प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद अंकित है, इनमें से किस विकल्प का संधि विच्छेद त्रुटिपूर्ण है, मतलब कि कौन सा गलत है उसको ढूंढना है। अन्वित कह रहा है तो अन धन ईत कह रहा है, षण्मास कह रहा है तो षट धन मास कह रहा है, इसी प्रकार बिंबोष्ठ कह रहा है तो बिंब धन ओष्ठ कह रहा है, अहोरूप अहन धन रूप कह रहा है। तो देखने वाली बात है यहां पर हम कैसे पहचानेंगे, देखिए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्यंजन संधि का एक और नियम है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन, क्या कहता है कि संधि करते समय दी क च क च ट त या प से हो, होने वाली संधि नल का न या मछली के म से शुरू हो, तो ये जितने भी वर्ण हैं ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल गए हैं। तो क जो है वह बदल जाता है आपके अंगा में, च बदल जाता है इया में, ट बदल जाता है अणा में, त बदल जाता है न में और प बदल जाता है म में। तो षट मास से षण मास है जो बहुत सही है। बिंबोष्ठ, अब यहां पर देखिए बिंब कह रहा है तो अ और ओ मिलके, अ और आपके ओ मिलके यहां पर हमारे लिए आपके बिंबोष्ठ कह रहा है, बिंब धन ओष्ठ, तो अ और ओ मिल रहा है यहां पर, अ और ओ मिल रहा है और अ और ओ के मिलने से ओ का निर्माण हो रहा है, मतलब ये गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अह धन रूप, अब इसकी खासियत होती है कि अहन शब्द का अंतिम वर्ण अगर नल का न है, अहन शब्द का अंतिम वर्ण नल का न है, इसके बाद में रस्सी का रा आता है तो अहन का न जो है वो उ में बदल जाता है। अब देखिए अ धन ह धन अ धन उ और यहां पर है हमारे लिए रूप, ठीक है। अहन को अगर तोड़ा जाए तो क्या बोल रहा है कि अहन शब्द में न के बाद में यदि रस्सी का रा आता है तो अहन का न उ में बदल जाता है। ऐसी सिचुएशन में इस उ से में परिवर्तन होने के बाद यहां स्वर की मात्रा अ है, इसलिए अ और उ मिलके अब संधि करके ओ की मात्रा बना लेते हैं, तो यहां पर हमारे लिए अहन धन अगर आपके अह कह रहा है, ठीक है ना, यानी कि यहां पर बचा हमारे लिए अह और यहां हो गया हमारे लिए रूप, तो अहन रूप से हमारे लिए क्या बन जाता है, अहो रूप। ये भी नियम जो है वो सही है, लेकिन अन्वित कह रहा है तो यहां पर हमारे लिए अन धन ईत नहीं है बल्कि होना चाहिए अनुधन ईत, यानी कि उ और ई मिलते हैं तब वी का निर्माण होता है। दूसरी बात कि यहां पर आपके व का निर्माण हुआ है तो यण स्वर संधि की प्रक्रिया में अन धन ईत नहीं बल्कि होना चाहिए हमारे लिए अनुधन ईत, तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, परिष्कार में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर,
व्यंजन स्वर, गुण स्वर या विसर्ग स्वर, विसर्ग संधि। अब देखने वाली बात है कि दीर्घ स्वर तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जहां शक्कर का श आधा हो, षटकोण का श आधा हो, हलंत वाला स हो और आर्य वर्ण हो तो विसर्ग संधि की श्रेणी में आते। नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले यदि अ और आ को छोड़ दिया जाए, कोई भी अन्य स्वर की मात्रा हो परंतु होने वाले संधि क, ख, प, फ, ट, ठ हो, तो विसर्ग जो है वो षटकोण के आधे श में बदलता है। तो आविधनकार से आविष्कार, निठुर से निष्ठुर, निपरिणाम से निष्परिणाम, निकलंक से निष्कलंक, निफल से निष्फल का उदाहरण जो है वो इसकी श्रेणी में आता है। तो परिधनकार से बनता है परिष्कार, आविधनकार से आविष्कार और उसी प्रकार बहिधनकार से बनता है बहिष्कार। अगला नियम कहते हैं गौ धन चरती की संधि है, गोचरती, गोश्चरती, गोश्चरती या गोश्चरती, इसका क्या होगा? तो ये भी विसर्ग संधि का एक एग्जाम्पल है जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहता है कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर की मात्रा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। नियम कहता है विसर्ग से पहले किसी भी स्वर की मात्रा हो, होने वाली संधि चम्मच का छ, शक्कर का श या छाते के छ से शुरू होगा। ऐसी सिचुएशन में यह विसर्ग शक्कर के आधे श में बदलेगा। तो नीचे से बना निश्चय, इसी प्रकार देखा जाए तो हरिचंद्र से बन जाता है हरिश्चंद्र, इसलिए गौचरती से गोश्चरती हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चय से निश्चय होगा, दुशासन से दुशासन, निश्चल से निश्चल जैसे उदाहरण इसकी श्रेणी में आएंगे। अगला क्वेश्चन, अति धन उत्तम अत्युत्तम में निहित संधि का प्रकार बताइए। क्या यह गुणस्वर संधि का उदाहरण है, क्या यह वृद्धि स्वर संधि का है, क्या यह यण स्वर संधि का है, क्या यह अयादि स्वर का है? ई और ओ, यानी कि हमने सबसे पहले बात कि यज्ञ के य के पहले का अक्षर अधूरा है, यज्ञ के य के पहले का अक्षर क्या है यहाँ पर अधूरा है, वही पहचान दे देता है कि यण स्वर संधि है। लेकिन हम इसको और क्लियर करेंगे कि जब हम लिखते हैं अति धन उत्तम, ठीक है, अब हम देखते हैं कि अत में है ई की मात्रा और यहां पर है हमारे लिए उत्तम में उ, तो ई और उ ने क्या बना दिया, ईयु। यहां देखा जाए तो अत हमारे लिए अधूरा हो गया और ये हो गया हमारा तम, त अधूरा हो गया इसलिए अति उत्तम से अत्युत्तम का निर्माण हुआ। तो देखने वाली बात है कि ई से अ मिलेगा तो ईया बनेगा, आ मिलेगा तो ईया बनेगा, ठीक है, इसी प्रकार ए मिलेगा तो ई ए बनेगा, उ मिलेगा तो हम आपके इसमें ए मिलेगा तो हमारे लिए आपका ई ए बनेगा, अम मिलेगा तो ई एम बनेगा। ठीक है, तो अति अधिक से अत्यधिक, अति आचार से अत्याचार, प्रति एक से प्रत्येक, प्रति अंग से प्रत्यंग और प्रति उत्तर से हमारे लिए प्रत्युत्तर का निर्माण जो है वो होता है। क्लियर हो गया, ठीक, और ये हमारे लिए आपके इन सब के साथ में ई के साथ में मेल से बना है, इसलिए अति उत्तम से यण स्वर संधि का उदाहरण बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर, सच्चरित्र का विग्रह है सत्य धन चरित्र, सद धन चरित्र, सन धन चरित्र, इनमें से कोई नहीं। ये भी सीजी में आपन 2018 में AGDEU में पूछा गया था। मैंने पहले ही बताया था कि संधि करते समय अगर हलंत वाले त के बाद में च, ज, ट, ड या लट्टू का ल आता है तो जिस भी वर्ण से मिलता है, जैसे कि च से मिला तो आधे च में, अगर ये ज से मिला तो आधे ज में, ट से मिला तो आधे ट में, ड से मिला तो आधे ड में और ल से मिला तो आधे ल में बदलता है। तो सत्य धन चरित से सत चरित का निर्माण जो है वो होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा कि उद्धरण का संधि विच्छेद है, उत्त धन धरण, उत्त धन अण, उत्त धन हरण या उत्त धन रण। पहले ही मैंने बताया था त संबंधी नियम में कि पहले शब्द का अंत यदि ह से त से हो, होने वाली संधि ह से हो तो त जो है आधे ध में और ह जो है वो आधे ध में बदलता है। तो पत हति से पद्धति बनी थी, वैसे उत हरण से उद्धरण का निर्माण जो है वो होगा। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में स्वर संधि प्रयुक्त है, तमोगुण, अतएव, रामायण या वनौषध।
जहां पर ओ की मात्रा आ रही है, यह ओ की मात्रा हमारे लिए गुण स्वर संधि में भी पाई जा रही है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इसका एग्जांपल पहले दे दिया गया है। लेकिन देखा जाए कि विसर्ग संधि का उदाहरण है कि तमः धन गुण से बनता है तमोगुण। जहां संधि हो रही हो तो ध्यान रखिएगा बेटा, किसी भी संधि में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कभी भी स्वर अपने संधि की प्रक्रिया में वास्तविक रूप में नहीं आता है, इसलिए ये भी अगर देखा जाए तो अतः धन एव कहता है तो अतएव बनता है, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। रामायण कहता है तो राम धन अयन कहकर हमारे लिए ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण बनता है। लेकिन यहां कहता है वन धन औषध कहता है, ठीक है ना, वन धन औषध, यहाँ का अ यहाँ का ओ दोनों मिलकर क्या बनाता है, अ बनाता है, और यह हमारे लिए वन औषध से वन औषध कहकर वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। भिन्न शब्द का चयन कीजिए, गिरिश क्या दीर्घ स्वर संधि है, निरर्थक क्या विसर्ग संधि है, उन्नति क्या व्यंजन संधि है, समाचार क्या स्वर संधि है। अब देखने वाली बात है कि यहां पर देखा जाए तो गिरी धन ईश कह रहा है तो दो सजातीय स्वर से दीर्घ स्वर संधि का निर्माण हुआ है, तो ये स्वर संधि में दीर्घ का उदाहरण है। निह धन अर्थक कह रहा है, निह धन अर्थक कह रहा है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। उत धन नति कह रहा है तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन समाचार कह रहा है तो एक नियम क्या कहता है, व्यंजन संधि में ध्यान रखिए हलंत वाले म के बाद में जहां स्पर्श वर्ण आ रहा था, अंतः स्था रहे थे, उष्म आ रहे थे, ऐसी सिचुएशन में हलंत वाला म अनुस्वर में बदल रहा था, लेकिन कभी कभी हलंत वाले म के बाद में स्वर आ जाता है तो म इस स्वर के साथ में पूरा होता है। तो अगर एग्जाम्पल कहता है सम धन आचार कहते हैं, अगर एग्जाम्पल कहता है सम धन आचार तो क्या बन जाता है हमारे लिए, समाचार। तो स्वयं धन एव से हो जाएगा स्वयमेव। लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि हलंत वाले म के बाद में फिर से म या प आ जाता है। अकॉर्डिंग टू रूल ये हमारे लिए स्पर्श वर्ण है, होना तो चाहिए कि इस म को हलंत में बदलना बदलकर हम आपके अनुस्वर में लिखें, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के लिए यह हलंत वाले म आधाक्षर में लिखा जाएगा। जैसे कि सम धन मति कहता है तब हम क्या लिखेंगे, सम्मति। ठीक है, समधन मान से हो जाएगा सम्मान, समधन मोहन से सम्मोहन। इसी प्रकार समधन पन्न कहता है तब क्या बन जाएगा हमारे लिए, संपन्न। और इसी रूप में समधन पूर्ण से हो जाता है हमारे एग्जाम्पल संपूर्ण। अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहता है, पवन का संधि विच्छेद है प धन वन, पव धन अन, पो धन अन या पो धन अवन। जब वृद्धि स्वर संधि की प्रक्रिया को पलटी जाए कि हम मिलाते हैं अ से ए को तब हमारे लिए ए बना था, इसी को हम बदल देते हैं इधर, इसी प्रकार अ से हमने ओ को मिलाया था तो हमारे लिए अ बना था, अब इसी प्रक्रिया को पलटते हैं। तो देखने वाली बात है कि ओ के साथ में यदि हम अ को करते हैं तब बनता है अव, अ के साथ में यदि हम अ को करते हैं तब बनता है आव, इस रूप में अ के साथ में यदि हम ई को करते हैं तब जुड़ता है बनता है आवी, अ के साथ में यदि हम उ को पलटते हैं तब बन जाता है आवू। ठीक है, इसी प्रकार ओ के साथ में यदि हम ई को रखते हैं तब बनता है हमारे लिए अवी। ठीक है, तो भो अन से बन जाएगा भवन, तो पो अन से क्या बनेगा हमारे लिए, पवन। ठीक है, यानी कि पवन कह रहा है तो पो धन अन कह रहा है, प में है हमारे लिए किसकी मात्रा, ओ की मात्रा, और यहाँ है हमारे लिए अन, ओ और अ ने क्या बनाया, अव बनाया, यहाँ उतारा ना को यहाँ है प, तो पो धन अन से हमारे लिए पवन बना, यह इसका संधि विच्छेद है। ठीक है, अगला, मन अनुसार की संधि क्या होगी, मनोनुसार, मनो अनुसार या मन अनुसार या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका भी एक नियम है, क्या कहता है कि विसर्ग से पहले, इसका एक नियम है कि विसर्ग से पहले, यानी कि विसर्ग से पहले यदि हमारे लिए अ का स्वर हो, होने वाली संधि यदि फिर से अ से शुरू हो, विसर्ग से पहले अ का स्वर हो, होने वाली संधि यदि फिर से विसर्ग हो, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा,
हाँ, क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ का स्वर हो, होने वाली संधि फिर से अ हो, ऐसी सिचुएशन में विसर्ग ओ की मात्रा में बदल जाता है। चूंकि ओ के बाद में अ आ रहा है तो यह नियम टकरा रहा है आपकी आपकी किससे सब टकरा रहा है, ओ और अ से, अयादि स्वर संधि से। ऐसी सिचुएशन में यह अवग्रह लिखा जाता है। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है कि मन अनुसार कहता है तो विसर्ग से पहले अ का स्वर है इसलिए विसर्ग ने खुद को ओ की मात्रा में बदल दिया तो मन में हो गया हमारे लिए ओ, और यहां पर ये बदल गया अनुस्वर में यानी हमारे लिए मन अनुसार से एग्जांपल बन जाता है मनो अनुसार। ठीक है, तो एग्जांपल क्या बन गया, मनो अनुसार, यानी कि यही अनार का अ इसमें लिख दिया गया अवग्रह में, क्योंकि यहां पर होने वाली अयादि स्वर संधि को रोका गया है इसलिए मन अनुसार से ऑप्शन नंबर बी मनो अनुसार का निर्माण जो है वो होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है उसका चयन कीजिए। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, संधि वर्णाक्षरों के मध्य होती है, शब्द पदों का योग संधि है, कौन सा गलत है उसका जो है वो चयन करना है। तो संधि दो पक्षों का मेल होती है, संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, संधि वर्णाक्षरों के मध्य होती है, लेकिन शब्द पदों के योग को संधि की प्रक्रिया नहीं कही जाती है। अगला क्वेश्चन, दृगंचल की संधि है दृग धन अंचल, दृगम धन चल, दृक धन अंचल और दृग धन चल। यह भी व्यंजन संधि का सबसे पहला नियम है कि संधि करते समय क, च, ट, त या पर आपका प हो, होने वाली संधि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण होगी, या तो हमारे लिए य, र, ल, व होगी या हमारे लिए स्वर होगा। ऐसी सिचुएशन में ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलते हैं तो क जो है बदल जाएगा ग में। तो दृक धन अंचल कहता है, तो दृक धन अंचल कह रहा है क बदल गया किसमें, ग में, और यहाँ पर है अंगूर का अम, तो क में ग में बदलने से दृक अंचल से दृगंचल का निर्माण जो है वो होगा। देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो क, च, ट, त, प है ये हमारे लिए अघोष वर्ण है, जिस वर्ण से इसकी मुलाकात हो रही है वो सब हमारे लिए आपके सघोष वर्ण है, तो ये अघोष वर्ण जब सघोष वर्ण से मिल रहा है तब यही हमारे लिए सघोष में परिवर्तन हो गया, इसलिए ऐसी प्रक्रिया सघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। बस आपको नियम याद रखने हैं। निम्न में विसर्ग का उदाहरण नहीं है, बृहस्पति, निराशा, यशो अभिलाषी या स्वयमेव, इसमें से विसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो देखिए निह धन आशा से हो जाती है हमारे लिए निराशा, ठीक है, उसी प्रकार ब्रीह यानी कि विसर्ग से पहले यदि स्वर में अ की मात्रा है, होने वाली संधि आपकी पति शब्द से संयोग करे या कर या कार से संयोग करे तो विसर्ग सरोते के आधे समय बदल जाता है, तो बृहस्पति से बन जाता है बृहस्पति, वाचापति से वाचस्पति और आपके इसी प्रकार भापति से भास्पति, वनपति से वनस्पति का निर्माण होता है। यदि भाह धन कर कहता है तो भास्कर, तीरा धन कार से तिरस्कार, पुरा धन कार से पुरस्कार का निर्माण होता है। शर्त है कि विसर्ग से पहले अ और आ का होना जरूरी है, यदि वो कर और कार शब्द से और पति शब्द से संयोग करती है तो विसर्ग हलंत वाले स में बदल जाता है। लेकिन विसर्ग से पहले कोई भी स्वर की मात्रा हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर की मात्रा हो, तरबूज का था, थर्मस का था या सरोते का स से मिलता है तो यही विसर्ग हलंत वाले स में बदलता है। तभी तो नमहते से नमस्ते, मनहताप से मनस्ताप, दुस्साहस से दुस्साहस और मरुथल से मरुस्थल का निर्माण जो है देखने को मिलता है। यश अभिलाषी, मैंने अभी बताया कि विसर्ग से पहले हमारे लिए अ का स्वर हो, होने वाली संधि यदि फिर से अ होती है तो देखने में यह हमारे लिए दीर्घ स्वर संधि के नियम से टकरा रहा है, क्योंकि परिवर्तन होना है विसर्ग में इसलिए विसर्ग ने खुद को ओ में बदल दिया। अब यहां पर फिर से अ आ गया तो यह अब अयादि स्वर संधि से टकरा रहा है, ऐसी सिचुएशन में इसको एक अवग्रह में लिख दिया जाता है। लिखा तो जाता है बेटा इस रूप में, उच्चारण किया जाता है अ, इसलिए यश अभिलाषी से यशो अभिलाषी का प्रयोग जो है होता है। ये तीन हमारे लिए विसर्ग संधि के उदाहरण है। बच गया स्वयं एव, तो मैंने पहले बताया कि जिस शब्द के अंत में हलंत वाला म हो, होने वाली संधि स्वर से शुरू हो तो म ए की मात्रा में जुड़ गया, इसलिए ये हमारे लिए हलंत वाला वर्ण अक्षर होकर व्यंजन संधि का उदाहरण है।
है तो एक एग्जाम्पल इसमें आपके ऑड वन है कि तीनों जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, बाकी एक जो है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, देव्यर्पित का संधि विच्छेद होगा, ये सीजीपीएससी मेंस 2008 में पूछा था। देवधन अर्पित, देवी धन अर्पित, देव्य धन अर्पित या इनमें से कोई नहीं। यह देखने वाली बात है कि यज्ञ के य के पहले का अक्षर अधूरा है, मतलब ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखने वाला हो गया कि जब हमने अ से मिलाया था उ को तब हमारे लिए ओ बना था, अब इसी गुण की प्रक्रिया को पलट दिया जाए, उ से हो जाए अ तब बनता है उआ, उ के साथ में आ मिले तो बन जाता है उआ, उ के साथ में ई मिले तो हो जाता है उवी, उ के साथ में ए मिले तो हो जाता है उए, उ के साथ में अगर ओ मिले तब बन जाता है उओ, और इसी प्रकार उ के साथ में अम मिले तो बन जाता है हमारे लिए आपका वम। क्लियर हो गया। और इसी तरह अगर कहता है सुधन आगत तो स्वागत बनेगा, ठीक है। अनुधन एशन से अन्वेषण, धातुधन इक से धात्विक, वधुधन आगमन से वधवागमन, अनुधन एशन से अन्वेषण। तो इसी तरह देखा जाए तो देवी धन अर्पित कह रहा है, अब ये हमारे लिए व का निर्माण किया। अब इसी में देखिए ई और अ से इया बना, ठीक है, ई और आ से हमारे लिए इया बना, ई और ऊ से हमारे लिए ईयू बना, ई और ए से हमारे लिए ईए बना, और ई और अम से हमारे लिए ईयम बना। अब देवी धन अर्पित यानी कि यहां पर है ई और यहां है आपका अ, ई और अ से क्या बना ईय, यहां पर देवी कह रहा है तो हमारे लिए वह जो है वो आधा हो गया कि देवी कहता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, देवी धन अर्पित कह रहा है, ठीक है, यहां है हमारे लिए ई यानी कि देव में ई की मात्रा, और यहां पर है हमारे लिए आपका अर्पित, ठीक। ई और अ ने बनाया ईय, यहाँ पर हमारे लिए वह हलंत वाला है, यहाँ पर है पित, और देखने वाली बात है कि या के पहले का अक्षर अधूरा हो गया तो हमारा एग्जाम्पल देवी अर्पित से देव्यर्पित जो है वो बनता है। इसी सेक्शन में है आपका ऋषि करी, यानी कि ऋषि के री से यदि अ मिला तो बनता है हमारे लिए र, आ मिला तो बन जाता है रा, ई मिला तो बन जाता है री, और अगर ऊ मिला तो बन जाता है हमारे लिए रू। इसके एग्जाम्पल त्र वाले होंगे, मात्राज्ञा पित्राज्ञा, इसी प्रकार देखा जाए तो मात्रादेश पित्रादेश इसकी श्रेणी में आएगा। और इस तरह आज के लेक्चर वीडियो के माध्यम से जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए उसमें लास्ट वन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यशोधरा किस संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का या व्यंजन संधि का, दीर्घ संधि का या विसर्ग संधि का। तो ये हमारे लिए यश धन धरा कहकर यशोधरा बन रहा है, यश धन धरा यानी कि विसर्ग से पहले अ का स्वर हो, होने वाली संधि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या हमारे लिए अंत वर्ण हो या उष्म का आपका ह हो, तो ये हमारे लिए आपके विसर्ग जो है ओ की मात्रा में बदलते हैं, इसलिए यशाधन धरा से यशोधरा का निर्माण जो है वो होता है। और इस तरह आज के लेक्चर वीडियो के माध्यम से मैंने संधि की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आज का लेक्चर वीडियो काफी लंबा रहा क्योंकि तीनों स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नियमों के अनुसार मैंने इसे डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर ज्यादा और जानकारी चाहिए तो जो लिंक नजर आ रहा है उसको ओपन करते ही आपको संधि का टॉपिक विथ एग्जाम्पल विथ रूल्स के साथ में आपको समझ में आ जाएंगे। तो एक गुजारिश है कि अगर आपको बहुत अच्छे से जानना है तो जो भी लिंक दिया जाता है उसको जरूर ओपन किया कीजिए, वहां लेक्चर वीडियो में जाया कीजिए और अपने मन की दुविधा को दूर करने का प्रयास किया कीजिए। आज के लेक्चर वीडियो में हमने संधि भी कंप्लीट कर दी, आने वाली क्लास में समास को पढ़ेंगे, समास कितने प्रकार के हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, समझेंगे कैसे, तोड़ेंगे कैसे, उसको संक्षिप्त रूप में कैसे उसको जमाएंगे, इन सब की चर्चा करेंगे। और हिंदी का लास्ट लेक्चर वीडियो बचा है जो है हमारा समास, इसी टाइम शेड्यूल पर, इसी टाइमिंग शेड्यूल के साथ में अब मैं दूसरे सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने आऊंगी जो होगी हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा। तो हिंदी आपकी समास के साथ में कंप्लीट हो जाएगी और उसी टाइम पीरियड में छत्तीसगढ़ी भाषा को मैं आपके सामने एमसीक्यू के माध्यम से लैंग्वेज मंत्रा में कंटिन्यू रखूंगी। और इस तरह आपके सीजीपीएससी प्री की परीक्षा या किसी व्यापम की परीक्षा के लिए अगर आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी से प्रश्न पूछे जाएंगे तो मेरे द्वारा जो हिंदी के सेक्शन जो चलाए
जा रहे हैं, जो अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है, उसी सीक्वेंस में जब हम आपके छत्तीसगढ़ी को पढ़ेंगे तो दोनों भाषा कंप्लीट हो जाएगी और किसी भी परीक्षा में मेरा दावा है कि आप प्रश्न को बहुत अच्छे से हल कर सकेंगे। तो अब तक मेरे साथ जुड़े हैं तो अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे सभी बच्चों को थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।